हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टिकटॉक के 10 सेटिंग के बारे में। जी हाँ, टिकटॉक के सबसे बेहतरीन 10 सेटिंग के बारे में। तो वीडियो पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत करिएगा। हम आपको बता दें कि इसमें से शायद आप बहुत सारे सेटिंग आपको मालूम होगा, लेकिन बहुत सारे सेटिंग आपको मालूम नहीं आएगा, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन वीडियो लेकर आते रहते हैं। और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तुरंत। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम टिकटॉक ऐप ओपन करते हैं, यहाँ ऊपर दिखाई दे रहा है, और यहाँ जो साइड में मी यानी मी का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करके, और ऊपर यहाँ जो थ्री डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। सबसे पहले हम सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं इसके प्राइवेसी सेटिंग के बारे में। यहाँ पर जो प्राइवेसी एंड सेफ्टी दिखाई दे रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे सेटिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कमेंट है कोई ना कर पाए, या फिर आपके वीडियो पर कोई भी कमेंट ना कर पाए, तो यहाँ से एवरीवन से आप ऑफ कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास वही कमेंट करे जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है, तो अगर आप फ्रेंड पर कर देते हैं तो वही लोग कमेंट कर पाएंगे आपके वीडियो पर जो आपके फ्रेंड लिस्ट में है। या फिर आप चाहते हैं कि सभी मेरे वीडियो पर कमेंट करें, तो यहाँ पर एवरीवन ऑलरेडी ट्रिक रहता है। उसके बाद से दूसरा सेटिंग है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर केवल आपके फ्रेंड ही रिएक्ट कर पाएँ कुछ, तो आप चाहें तो यहाँ फ्रेंड पर जाकर सेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर कोई भी रिएक्ट ना करे, तो यहाँ से डायरेक्ट ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद से हमारा अगला सेटिंग क्या है, हम आपको बता दें कि ये जो कैन ड्यूट विथ मी दिखाई दे रहा है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर कोई भी ड्यूट ना बनाए, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ फ्रेंड ही आपकी वीडियो पर ड्यूट बनाए, या फिर कोई भी ना बनाए, तो यहाँ ऑफ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि केवल आपके फ्रेंड बनाए या फिर सभी कोई बनाए, तो एवरीवन पर छोड़ दीजिए, नहीं तो फ्रेंड्स पे कर सकते हैं। उसके बाद से हमारा अगला सेटिंग क्या है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है हु कैन सेंड मैसेज। यहाँ पे देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड आपके पास मैसेज करे, तो फ्रेंड पे कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपके फ्रेंड आपके पास मैसेज ना कर पाएँ, तो यहाँ ऑफ है, ऑफ पे क्लिक करके ऑन कर सकते हैं। जी हाँ, इस तरह से अगर आप ऑफ पे क्लिक कर देंगे तो कोई भी आपके पास मैसेज नहीं कर पाएगा। उसके बाद से अगला हम आपको बता दें, उसके बाद से यहाँ नीचे देख लीजिए दिखाई दे रहा आलो डाउनलोड। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो कोई डाउनलोड ना करे, तो यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो डाउनलोड करे सभी लोग, तो इनेबल कर सकते हैं, यहाँ से सेट कर सकते हैं। अब आइए हम चलते हैं कुछ और सेटिंग के बारे में। हम चलते हैं यहाँ पर अपने वीडियो में। यहाँ पर जैसे हम वीडियो क्लिक करते हैं, हम आपको बता दें कि जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमको पता नहीं रहता है कि कौन सबसे ज़्यादा इस समय कौन सा इमोजी ट्रेंड में चल रहा है। इसको जानने के लिए आपको क्या करना है, सीधे यहाँ इफेक्ट जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है, और जो यहाँ पे देख लीजिए ट्रेंडिंग में जो भी इस समय ट्रेंड में चल रहा है इमोजी, इस पर आप क्लिक करके वीडियो बना सकते हैं। देख लीजिए ये सभी इस समय ट्रेंडिंग में, इसको अभी सबसे ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इस इमोजी को, तो आप यहाँ से आसानी से जान सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंड कौन सा एप्लीकेशन कर रहा है। और न्यू पे हम आपको बता दें कि जब आप न्यू पे जाएंगे तो जो भी नए नए इसमें इफेक्ट लाए गए हैं वो सारी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम इफेक्ट में जाते हैं तो आपको वही सब मिलेगा। उसके बाद से मान लीजिए आपको अपने वीडियो में फिल्टर का इस्तेमाल करना है, तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो थ्री कलर का डॉट दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ से देख लीजिए आप फिल्टर कर सकते हैं, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलिए हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और उसमें आपको कुछ सेटिंग दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए एक वीडियो हम यहाँ से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस समय स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, इसलिए कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन हम आपको बता दें कि इसमें भी आपको इफेक्ट का ऑप्शन मिलता है। जब आप वीडियो बना लेंगे तो आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, जिसका आप इस्तेमाल करके अच्छे खासे इफेक्ट डाल सकते हैं। जी हाँ, उसके बाद से हम चले आते हैं अपने प्रोफाइल में। प्रोफाइल में आने के बाद से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एडिट प्रोफाइल, इसमें आप जाकर अपना नाम चेंज कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अपना इंस्टाग्राम यूट्यूब लिंक शेयर कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल पे वीडियो सेव कर दें, तो यहाँ पर प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने प्रोफाइल पर कोई वीडियो भी लगा सकते हैं, या फिर यहाँ से आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से नाम में सेटिंग में यही सब कर सकते हैं प्रोफाइल में। उसके बाद से चलिए हम नेक्स्ट सेटिंग के बारे में जानते हैं। उसके बाद से अगर आप जानना चाहते हैं कि इस समय कौन सा वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो यहाँ सर्च पे जाइए और यहाँ देख लीजिए इस वक्त सबसे ज़्यादा यही सब ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इनमें से आप किसी पर भी वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग सॉन्ग पर जो हम वीडियो बनाते हैं उसके वायरल होने के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, तो यहाँ से आकर आप पता कर सकते हैं कि कौन सा वीडियो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, और किस वीडियो पर हम अपना ड्यूट बनाएं या फिर वीडियो बनाएं जो कि ट्रेंड करे। तो यहाँ से आप आकर चेक कर सकते हैं कि कितने गाने इस समय यहाँ ट्रेंड कर रहा है। तो ये थी हमारी आज की सेटिंग और जानकारी। आई होप ये वीडियो
आपको पसंद आया होगा। और आपको कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपका रिप्लाई कर देंगे। तो ये थी हमारी आज की जानकारी, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इसे लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।